नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और हम आज पलवल जिले के हतीन विधानसभा के गांव अंधरोला में पहुंचे हैं। यहां से हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं इस कड़ी में, जिनका नाम सलीम जी है। उनसे बात करेंगे, उसी के साथ एक सरदारी उनके साथ मौजूद है। भाई सलीम से सबसे पहले ये बातें करेंगे कि वो राजनीति में आए हैं, क्यों आए हैं और अब से पहले क्या करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है जी। आप राजनीति में क्यों आए और कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ DTV चैनल की तरफ से। और मेरा जो मामला है राजनीति में, मैं गांव के विकास के लिए आया हूँ। तो गांव का विकास, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक गांव में हुई नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर तो गांव पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, विकास के बारे में पिछड़ा हुआ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी तक कोई कर नहीं पाया। और मेरा जो मेन मुद्दा जो है, मेरा जो मेन मसला है वो है एजुकेशन। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम लागू कर रखी है जिनको आज तक हमारे सरपंच साहब पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे फ्री एजुकेशन है, हमारे गांव में 5-6 पंचायत बिल्डिंग है जिनमें से एक लाइब्रेरी भी है। अगर हमारे काश हमारे गांव में लाइब्रेरी की बिल्डिंग शुरू हो जाती तो हमारे गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन की सुविधा हो जाती। और सारी बुक हैं लाइब्रेरी में, सारी बुक रहते हैं ज़्यादातर, चाहे वो GK हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास या BA BEd के लिए। जिसमें अगर पंचायत लाइब्रेरी अगर चालू होती तो उसमें एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से ना एक वो देती, एक सिक्योरिटी गार्ड देती, जिसे आप चौकीदार भी कह सकते हो, और वो 24 घंटा चालू रहती है। अगर हमारे गांव में वो चालू होती तो एक 5 रुपये का टोकन करा के उसमें एंट्री कर लेते और बच्चे अपनी पढ़ाई चालू कर सकते थे उसमें। और बहुत से ऐसे मसले हैं। तो अगर मुझे गांव की सरदारी अगर इस काबिल समझती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बात करें यहाँ की, चाहे गलियों की बात कर लें या जल निकासी, जल, ये सारी भी और अहम समस्याएं, महिलाओं को तो जल की बहुत भारी समस्या, तो इनको कैसे देखें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। और हमारे जो गांव है, रास्ता ठीक है, लेकिन हमारे जो रास्ते, मेन रास्ते जो हैं, उनका पानी का निकास नहीं है। अगर लोग बाग नाली बना देते हैं, अगर लोग बाग नालियों को बना देता है हमारे सरपंच साहब, तो उसको पानी नहीं निकलता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अगर आप एक बार उनको बनवा देते हो तो उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तौर उदाहरण के तौर पे, अगर आज सुबह मैं खाना खा लेता हूँ, अगर हो सकता है मैं शाम को नहीं खाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे खाना ज़रूरी है। अगर इसी तरह गांव की नालियाँ बना के छोड़ देते हो, उसकी मरम्मत नहीं करते हो, गांव की सड़कों पे, रास्तों पे गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात लाइट, हमारे जो मेन रास्ते हैं, मेन रास्ते में हर 40-50 फुट की दूरी पे खम्भे खड़े हुए हैं, उनमें आज तक कोई लाइट वगैरह नहीं है, जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। हमारे नमाजी लोग भाग जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, जिनमें नापाकी हो जाती है और नमाज से रह जाते हैं। बात करें कि आपकी पंचायत में कितने वोट हैं? हमारी पंचायत में 1310 है। और आप कितनी वोट हैं? माफ़ करना, 2310 है। अच्छा, 2310 वोट हैं, जिनमें से आप कितने परसेंट वोट उठा पाएंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता। अगर मुझे ऐसा लगता था तो मैं, इलेक्शन बहुत कठिन होता है और मेरा काम तो ये है, जितनी मैं मेहनत करूँगा अल्लाह मुझे उतना ही देगा। और रही मुझे जो मेरा, हाँ मैं ये कह सकता हूँ, मुझे अपने युवा साथियों पे काफ़ी भरोसा है। और मैं अभी 4 दिन पहले, मेरे जितने भी एजुकेटेड बच्चे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट वगैरह जो हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले मुझे इकट्ठा किया है। उन लोगों ने मुझसे 3 सवाल किए थे, मुझे उन लोगों ने बुलाया था। अगर उन्होंने कहा, गांव की सरदारी एक युवा और पढ़े लिखे को, और जिसको नॉलेज है उसको गांव का पंचायत बना, सॉरी सरपंच बनाना चाहता है, तो मैंने उनसे कहा, आप मुझे बताओ मेरे लाग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, देखिए, हमारे गांव में 2 युवा सरपंच हैं और हम उनमें से
आपको चुनते हैं सलीम खान को। उसकी वजह मैंने उनसे रीज़न नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था या तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी होगी या मैं ऐसा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, माफ़ करना मैं अपनी क्वालिफिकेशन जो है मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ BCA। तो उन्होंने मुझे बताया हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे जो गांव के युवा है और यूथ है, उन्होंने तीन चीज़ मुझे बताई थी। फर्स्ट जो सवाल किया था उन्होंने किया है, अगर हम आपको एक लेवल पर सपोर्ट करते हैं, हमारे गांव में जो लाइब्रेरी है, पंचायत बिल्डिंग जो है उसमें लाइब्रेरी की शुरुआत की जाए, अगर आप लाइब्रेरी की शुरुआत करते हो, सारे जो गरीब बच्चा हैं जिनके पास बुक के लिए पैसा नहीं है, अगर लाइब्रेरी की सुविधा होती है तो हर गरीब बच्चे को उसका लाभ मिलेगा। गरीब बच्चे पढ़ने से रह नहीं पाएंगे, और जितने भी स्कूल जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ बाप पेरेंट्स उनको भेजते नहीं हैं पढ़ने के लिए, हम एक टीम बना के उन सारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएंगे उसका, और जितनों जो मेहनत है जो पैसा की को जरूरत हम उनको पूर्ति करेंगे। और बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है NSP एक नेशनल स्कॉलरशिप वगैरह होती है, उसका लाभ हमारे खासतर मैं ये कह सकता हूँ हमारे मोमडन बिल्कुल भी नहीं पता कि स्कॉलरशिप क्या होती है और किसको मिलती है। सबको ये पता है 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन गलत, वो सिर्फ गलत है। 1st क्लास से 12th क्लास तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आज स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 नवंबर, इसमें 1st क्लास से और 8वीं क्लास तक 11,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर किसी को नॉलेज होती तो अपने गरीब जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको 11,000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है तो क्या कर पाएगा। उन लोगों ने दूसरा सवाल मुझसे उन्होंने ये कहा है, अगर हम दूसरा सवाल उसका कब्रिस्तान का था, गवर्नमेंट ने दो जो हमारे गाँव के कब्रिस्तान हैं अलग सुकर उनकी चार दीवारी हुई पड़ी है, लेकिन उनमें साफ़ सफाई नहीं है, उसमें ना ही कोई छायादार पेड़ है और ना ही उनमें कोई पानी की सुविधा है, ना ही उसमें कोई लाइट की सुविधा है। अगर गांव की सरदारी मुझे चुनती है, मैं सबसे पहले उसके लिए 2 चौकीदार अनाउंसमेंट करूंगा, और जिसकी तनख्वाह मैं नहीं दूंगा गवर्नमेंट देगी, हाँ गवर्नमेंट के रूल में है, उसके लिए पानी की सुविधा, साफ़ सफाई की सुविधा, छायादार पेड़ और फूलदार पेड़, पार्क वगैरह के लिए मैं उसकी सुविधा करूँगा, और वजू खाना का तैयार करूंगा, लाइट की सुविधा वगैरह सारी चीज़ तैयार की जाएगी। ये मुझसे युवाओं ने सवाल किया था। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि गांव की साफ़ सफाई, नालियों की साफ़ सफाई, और मैंने अपनी तरफ से एक ये अनाउंसमेंट किया था, आप सभी ने जब इतना कुछ कर दिया तो आप मेरी भी सुन लो। मैंने उनसे ये सवाल किया था, अगर गांव की सरदारी अगर मुझे चुनती है तो गांव में CSC सेंटर खोला जाएगा जो निशुल्क रहेगा पूरे गांव में, मात्र ओनली अंदरौला गांव के लिए, हाँ, क्योंकि CSC सेंटर वो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसे बोलते हैं। अगर गांव में गरीब हैं जिनके लिए जीरोक्स यानी कि फ़ोटो कॉपी के लिए पैसा नहीं है, फ़ोटो कराने के लिए पैसा नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए पैसा नहीं, ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए चाहे बुढ़ापा पेंशन हो चाहे आधार कार्ड, उसकी 100 रुपये फीस होती है या फिर 50 मान लो आप, अगर मुझे सरदारी चुनती है तो मैं उस काम को फ्री करूँगा। गांव पंचायत के लिए नेट फ्री रहता है, मैं पूरे गांव का काम फ्री कराऊँगा। आज भी मैं, आप मुझे एक सोशल वर्कर कह सकते हो, मैंने अपने बूढ़े बड़ों से और बेवा जो औरत है और बच्चों हैं किसी से पैसा नहीं लिए, पेंसिल निकालने के पैसा नहीं लिए। मैं आज भी गरीबों की मदद कर रहा हूँ, मैंने अपने गांव में 22 बंदों की बुढ़ापा पेंशन बनवाई, ना ही मैंने जीरोक्स के पैसा, ना ही मैंने उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के पैसा लिए, अल्लाह का शुक्र 22 की तनख्वाह वो आज ले रहे हैं। माफ़ करना मैं बाई नेम नहीं बताऊँगा, और मकान वगैरह BPL राशन कार्ड है उनको मैं फार्म खुद में मैंने भरा है, जिनमें से 11 की वेरिफिकेशन आई है और जिनमें से 4 के PPL कार्ड बने हैं।
बहुत अच्छा, पहले से भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं। जी मैं पहले से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सलीम जी, अब हम गांव की जनता का भी वक्त लेना चाहेंगे और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम बाबा? नसरुद्दीन। किसके साथ चल रहे हो, किसको वोट करोगे? सलीम भाई। सलीम भाई को और भी लोगों से बात करेंगे। बाबा वोट करोगे, किसको करोगे? सुरमेर तो रहन दो, न रहन दे, वोट न कर से। अच्छा, बोल रहे हैं कि फान साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? यूसुफ जी। यूसुफ जी, आपकी बार वोट किसको करोगे? सलीम भाई को। सलीम भाई को। देखिए, गांव की जनता के युवा हमारे साथ जुड़े, जिसका नाम भाई सलीम था, जो कि आपकी बार पंचायती चुनाव के रन में है। बाबा हैं, तभी तो भाई ठीक है ना बाबा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। चाय भाई पी ली? हाँ पी ली, चाय भी पी ली। चुनाव की बताओ ना। चुनाव की मतलब सलीम को वोट देंगे, सलीम बनाएंगे। सलीम को वोट करोगे? हाँ सलीम को वोट। बहुत अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सलीम को वोट देंगे जी, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और सलीम को वोट करेंगे। इन सभी का कहना था। एक और युवा शायद इसी गांव के होंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? हैदर अली। हैदर अली कहाँ से? अंदरौला से। अंदरौला से। आपकी बार आप किसके साथ चलना चाहेंगे? सलीम जी का कहना है कि हम यूथ को अपने साथ लेके चलने, यूथ ने हमको समर्थन दिया, क्या सच है? जी बिल्कुल, गांव का पूरा समर्थन है सलीम भाई के लिए। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं अभी आप? नई दिल्ली जा रहे हैं जी। नई दिल्ली, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ में? उस बिजनेस चल रहा हमारे कंपनी में, उसका बिजनेस है। मार्केटिंग वगैरह? हाँ मार्केटिंग। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपने? हैदर अली। हैदर अली, ये देख गांव का यूथ था और गांव के युवा थे, साथ ही बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद रहे और हमारे साथ भाई सलीम जी अंदरौला पंचायत से जो चुनावी रन में। बिल्कुल कहिए। हाँ मेरा एक लास्ट सवाल रह गया था, अगर गांव की सरदारी अगर मुझे चुनती है, मुझ पर विश्वास करती है, मैं अपने गाँव को हरियाणा में विकास के मामले में अव्वल स्थान दिलाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी, हम भी इसके लिए आपको जनता के लिए भी कहना चाहेंगे, जो आपके पंचायत के विकास की सोचता हो उसी को आप चुने। और उनका ये भी कहना है कि नंबर वन पे हम रखेंगे अगर जनता हमको जुम्मेवारी देती है, अगर यहाँ की सरदारी हमको मिलती है। तो बन रहे आप हमारे साथ लगातार इसी तरह की खबरें देखने के लिए, आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और लगातार देखते रहें अजय कोहली के साथ डी टी वी न्यूज़ और कैमरा पर्सन इस्माइल मन्ना जी के साथ। धन्यवाद।